हमारी तीन मुख्य मांगे है। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। दो से तीन लोगों ने ये काम किया है, ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट टू है। ऐसा आज तक कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है, यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। मैं आरडीएमएमसी का प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिषेक राव। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हेयर वुड नो हु वी आर। वो गुस्सा इसलिए जायज है बिकॉज वी हैव बीन इन द ऑफिस फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 3 इयर्स। सो दैट यू वी आर बट वी स्टिल इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। हम लोग अभी जब तक थोड़ा जरूर दिखाना चाहिए भाई। डॉक्टर रजत, ये बताइए कि मुलाकात हुई है सेक्रेटरी से, क्या बात हुई है और इससे कहीं ना कहीं जो आपकी मांगे हैं और जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है इससे पेशेंट्स पर भी असर पड़ेगा? जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पेशेंट पर जो असर वाली बात है, एज अ डॉक्टर हमने भी हिप्पोक्रेट्स का ओथ लिया है कि हम पेशेंट केयर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते मजबूरन। आप मानिए, आप मीडिया कर्मी, अगर आपके साथ इस तरह की एक आपके किसी मीडिया कर्मी के साथ हो जाए तो आपके साथ किस तरह का एजिटेशन होगा? ब्यूरोक्रेट्स के साथ इस तरह का कुछ व्यवहार होता है तो उनका किस तरह का एजिटेशन होगा? एज अ मेडिकल फेटर्निटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जो साथी मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी करें और उसकी मांग रखें। पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले जीटीबी में भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे, हमने उस टाइम पर भी अपनी मांग उठाई थी, उस पर कुछ जो है कदम भी उठाए गए, लेकिन जो इस तरह की ब्रूटेलिटी है कि रेप तक बात चलेगी, मर्डर तक बात चलेगी, ये बहुत शर्मनाक है और दर्दनाक है। मतलब हम पूरे जो रेजिडेंट समुदाय है दहशत में है। इस वजह से हमने हेल्थ सेक्रेटरी से मुलाकात भी की है, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में एश्योरेंस नहीं आ जाता तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। देखिए, जो घटना हुई है बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। ऐसा आज तक कभी डॉक्टरी के इतिहास में इंडिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप हुआ और मर्डर हुआ, और हमें लगता है कि ये चीज जो है इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हमने कल इसके रिगार्डिंग एक नेशनल स्ट्राइक का एक नोटिस निकाला था फोडा के तहत, उसमें 4-5 डिमांड्स रखी थी। हम अभी भी उन डिमांड्स के साथ खड़े हैं। अगर वो डिमांड्स मानी जाएंगी, उन पे कोई एड्रेस करा जाएगा तो वी विल कॉल ऑफ द स्ट्राइक। वी डोंट वांट द पेशेंट्स टू सफर, इसलिए हमने अभी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है और वहां पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया है। मांगे जैसे हमारे लेटर में है, सबसे पहली मांग तो जो एपिसेंटर है इस पूरे आंदोलन का वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है। वहां के जो डॉक्टर्स ने मिला जुला के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है सारी मांगों का, कल शाम की प्रेस रिलीज में वो आप लोगों के पास होगा, हम भी शेयर कर देंगे। वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मांग है कि उनके साथ सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष हो, एक ये मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कंपनसेशन की। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है, यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी कुछ लोकल इंस्टीट्यूट की डिमांड्स हैं जो उनके अस्पताल की हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ हमारी जो एक जुड़ी मांग है पूरे देश की, वो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रिंसिपल जो है आरजी का मेडिकल कॉलेज में इस्तीफा दे दिया है, ये खबर अभी
ये खबर हमारे पास भी आई है। हम लोग आरजी कर के साथ अभी संपर्क में बने हुए हैं। जैसे जैसे आरजी कर इस चीज़ में आगे बढ़ेगा हम लोग भी बढ़ेंगे। इस पर हम लोग का नियम तय है, आरजी कर अगर स्ट्राइक से हटेगा हम भी हट जाएंगे। आरजी कर की मांगें पूरी होनी चाहिए प्राइमरीली। हमारा संगठन अभी मंत्रालय से लगातार संपर्क में है, हम लोग बात कर रहे हैं। मंत्रालय ने अभी तक हमारा साथ ही दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी हमारी मांगों को अच्छे से सुना जाएगा और पूरा करा जाएगा। हमारी तीन मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक पे जांच हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच है वो बहुत बायस्ड है। वो किसी भी निर्दोष को पकड़ के और हमें प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमें चुप कराना चाह रहे हैं, बट वो नहीं होने देंगे। दो से तीन लोगों ने ये काम किया है, ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट टू है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजी कर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो ड्यूटी डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजी कर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। कल ने जो है कॉलेज के लिए रिजाइन कर दिया था कि उन्हें डी पिन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शुरुआत में तो उस चीज को तो मतलब डॉक्टर साहब को तो जो उनका डेथ हुआ है उनको तो बताया गया कि साइकोसिस है, उन्होंने मतलब उसको अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। मतलब शुरुआत क्या वहाँ का कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ का पुलिस ने तो ये बता दिया कि अपने साइकोसिस इसलिए उसने हत्या कर ली अपने से, तो इस सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है, हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं नहीं शुरुआत में इस तरह का कोई भी मतलब शुरुआत में उसको साइकोसिस घोषित कर दिया गया था, हम कैसे माने इस चीज के लिए? हम चाहते सीबीआई इंक्वायरी जिससे हम डॉक्टरों को न्याय मिल सके और आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। तो काफ़ी ज़्यादा है, जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं और डॉक्टर्स पे ऐसे वायलेंस काफ़ी पहले भी हुए हैं, तो इट्स हाई टाइम दैट द ऑफिशियल्स शुड स्टार्ट टेकिंग सम राइट डिसीजन, सम राइट एक्शन, सो दैट वी आर सिक्योर्ड इन द फ्यूचर एज वेल। वट एवर इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी जो क्राइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो भी जस्ट पनिशमेंट्स हैं, दे ऑल ऑफ देम शुड बी गिवन टू द एक्यूज्ड वंस, सो दैट आगे लोग ये सब चीज़ें करने से डरे भी, कि सज़ा को देख के करने से डरे भी और आगे ये सब चीज़ें दोबारा ना हो। এবং ডগ স্পট থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে, যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে, আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে।